रोही चोलिस्तान दे विच। वीवर अस्सलाम वालेकुम सर, अपना यूट्यूब चैनल लिखते पे असगर अली ताफी, मैं तेरा मेज़बान असगर अली। वीवर सुनाओ तेरा क्या हाल चाल है, मेरे को उम्मीद है मेरे वीर ठीक ठाक हसन, खुश हसन, मौज हसन, फर्स्ट क्लास हसन, सारी हमेशा तेरे वास्ते या दुआ दी, जिथे रहो हमेशा खुश रहो। तो साडे चैनल को कर सबसक्राइब ताकि आने वाली वीडियो तो नोटिफिकेशन सब को पहले तुसा तक पहुंच वे। अज असाए रोही चोलिस्तान, रोही चोलिस्तान के एक सबको माड़ी नजर आई हूँ, माड़ी को मकामी लोग साहबगढ़ भी आखेंदे और मुमल की माड़ी भी आखेंदे। आओ वाला तो कर पे हूँ माड़ी का सैर। माशाला जी देखो ये माल चढ़ता पे रोही चोलिस्तान दे विच। ये देखो जी तुम सामने नजर आती पी ए माड़ी, और वाला तो कहीं माड़ी का कर पे सैर। खंडरात बनी पी ए माड़ी, ये अपने वक्त दे विच बहुत ही खूबसूरत बनी हो सी। कितनी खूबसूरत हो सी ये माड़ी, ही टाइम तो सिर्फ मिट्टी का ढेर बनी पई है ये माड़ी। कुछ आसार हिंदे मौजूद हैं और खड़े भी हैं, बारिश वगैरह कुछ ढह भी गए। ये जड़े लोग हैं था बैठे था रोही दे विच, इन्हां दे घर मौजूद हैं, मकामी जड़े लोग हैं ये उन्हां दे घर हैं, कुना धर्म दे प्यो सन। ये माड़ी जड़ी है ढेर तकर फैलल हुई है, वो तो सामने एक छोटा जा टिबा नजर आता पे उसी हीं तकर भी माड़ी कुछ लोग आखेंदे जी इतों के रहने वाले लोग हैं, वो असंको दसन पे हैं। मोमल की माड़ी और इनको साहबगढ़ जिनको कहते हैं, सिर्फ इनकी ए साइड बची खड़ी बकाया ढह गई है, खत्म थी गई है। हीं दा जिहड़ा दीवार है ना छोटिया छोटिया इटा ते नाल गारे नाल बनिया हुए हैं दीवार ही माड़ी जा। न्यू बहार वाले पासो की दीवार है माड़ी की, ये जड़ी है देखो जी। पी और वड़ी उम्र का बाबा असंको मिले हूँ उम्र तकरीबन 100 साल के करीब है, वो आखेंदा पिया है साहबगढ़ और मोमल की माड़ी जैको आखेंदे यहाँ इवें मैं देखदा आंदा। रोही चोलिस्तान ढेर सारे आसार देखने को मिलते हैं। ये है अज की वीडियो, वीडियो का करन से एंड वाला कहें भी वीडियो मिलसूँ। अल्लाह हाफिज़।